कंचनजंगा ट्रेन के भयानक हादसे के बाद एक अलग बहस छिड़ गई है। देश में बुलेट ट्रेन जरूरी है या सुरक्षित मौजूदा रेल, ये बहस आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने छेड़ी। उत्तर प्रदेश नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा भी मांगा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने कहा कि दार्जिलिंग में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर दिल से दुखी हूं। सामान्य जनता के लिए बेहतर रेल सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली बुलेट ट्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी मैं मांग करता हूं। साथ ही चूंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में निरंतर कई हादसे हुए, इसलिए उनके इस्तीफे की भी मांग करता हूँ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के निकट सोमवार को एक मालगाड़ी और सियाह दल जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है और करीब 60 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन के पीछे से टक्कर लगने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर इस घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ट्रेन दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 लोग घायल हैं। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन में हुआ। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेलवे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। तो वहीं उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियादल जा रही थी, तब ये दुर्घटना सुबह 9 बजे के करीब हुई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।